हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ व्रत की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करेंगे, जिसके लिए ना तो साबूदाना भिगोना है और ना ही आपको आलू उबालने की ज़रूरत है। फटाफट से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और बहुत ही नए तरह से इसे हम बनाकर तैयार करेंगे। साथ में एक डिब्बी तैयार करेंगे जो कि इस साबूदाना बड़े के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक डिप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कटोरी हमने दही लिया है, इसमें एक चम्मच भुनी हुई मूंगफली का पाउडर डालेंगे, साथ में चुटकी भर काली मिर्च और थोड़ा सा व्रतवारा नमक डाल देते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये एक मज़ेदार सी डिप बनकर तैयार हो गई, जो कि इस नाश्ते के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए इसे हम साइड से रख देते हैं और अब हम अपना नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ आधा कप हमने साबूदाना लिया है। साबूदाना को पहले आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए और अब इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो पैन में इसको हम डाल देते हैं और कुछ सेकेंड के लिए इसे चलाते हुए हम भून लेंगे, जिससे साबूदाना में जो भी नमी होगी वो निकल जाएगी, क्योंकि इसे हमें पीसना है। और जब इसे इस तरह से हम रोस्ट करके पीसेंगे तो इसका एक फाइन पाउडर बनेगा। तो कुछ सेकेंड के लिए इसे हमने भून लिया है। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ मिक्सी के जार में हमने साबूदानों को डाल दिया है और इसको बिल्कुल बारीक हम पीस देते हैं। तो ये देखिए, साबूदाना का पाउडर बनकर तैयार है और इसे हमने बिल्कुल बारीक ही पीसा है। तो एक बर्तन में इसको हम पलट लेते हैं और अब हम लेंगे कच्चे आलू। तो यहाँ दो मीडियम साइज़ के कच्चे आलू हमने लिए हैं। इन्हें छीलकर हमने पानी में डाल दिया था, जिससे ये काले ना पड़े। तो अब एक आलू लेंगे और इसके छोटे छोटे पीस करके हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे। तो हमने वही जार यूज़ किया है जिसमें हमने अभी साबूदाना पीसा था, और दूसरे आलू का यूज़ हम बाद में करेंगे। तो पूरे आलू के हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे अदरक। तो आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसके भी छोटे पीस करके हमने डाल दिया है। और यहाँ पर तीन हरी मिर्च ली है, आप तीखा जैसा खाते हो वैसा डाल लीजिए। आधा चम्मच इसमें हम जीरा डालेंगे और तीन से चार चम्मच इसमें हम पानी डालेंगे और आलू को बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। आलू में बिल्कुल भी पीस नहीं होने चाहिए, इसलिए इसे बिल्कुल बारीक पीसिएगा। साथ में धनिया डाल देते हैं। धनिया डालना हम पहले भूल गए थे, इसलिए हमने बाद में इसे डाल दिया है और एक बार इसे फिर से पीस लिया है। तो ये आलू का बिल्कुल बारीक पेस्ट बनकर तैयार है। और जो साबूदाना का हमने पाउडर बनाया था, उसी में इस पेस्ट को हम डाल देंगे। अब इसमें चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और साथ में डाल देंगे आधा चम्मच व्रतवारा नमक। और ये है मूंगफली, जिसे हमने पहले से ही रोस्ट करके इसके छिलके उतार दिए हैं और इसे दरदरा पीस लिया है। तो ये चार चम्मच मूंगफली का पाउडर था, इसको भी डाल देते हैं। और बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें आप पानी डालते जाइएगा, क्योंकि साबूदाना जो होता है बहुत ज़्यादा पानी सोख करता है और हमने यहाँ पर ड्राई साबूदाना लिया है। तो इसका जो डो लगाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट ही लगाएंगे। तो ये देखिए, डो बनकर तैयार है और इसे हमने बिल्कुल सॉफ्ट ही लगाया है। अब जो एक आलू बच गया था उसको भी हम पतले पतले पीसेस में इस तरह से काट लेते हैं। ये देखिए, ज़्यादा मोटे पीस मत करिएगा, पतले पतले ही पीस रखिएगा। तो ये देखिए, एकदम पतले पीस ही हमने इसके काटे हैं। तो इनको भी पानी में हमने डाल दिया है, जिससे ये काले ना पड़े। और साबूदाना के डो को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हाथों पर हल्का सा तेल लगाएंगे। नींबू के आकार का एक गोला लेंगे, हथेलियों से ही उसे चिकना करते हुए थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे बढ़ा लेते हैं। अब एक आलू का पीस रखेंगे और इसको कवर कर देंगे डो से। ये देखिए, इस तरह से घुमाते हुए इसको हम कवर कर देंगे। डो जो साबूदाना का आप लगाइएगा, थोड़ा सा ढीला लगाइएगा तो ये बहुत आसानी से कवर हो जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम सारे साबूदाना बड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, कितना बढ़िया साबूदाना बड़ा बनकर तैयार हो गया। तो बस सारे साबूदाना बड़ा इसी तरह से हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था। मीडियम गरम घी में इनको हम डाल देंगे और जब एक साइड से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब इन्हें हम पलट देंगे। तो ये साबूदाना बड़ा हम व्रत के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम इन्हें घी में बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से उलट पलट करते हुए बढ़िया गोल्डन कलर आने तक इन्हें हम फ्राई कर लेंगे।
और ये बड़े बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो बिना आलू वाले और बिना साबूदाना को भिगोए आप बहुत आसानी से फटाफट से ये साबूदाना बड़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक बार आप इन साबूदाना बड़ों को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही नई रेसिपी के साथ जल्दी हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।